नमस्कार, मानस मिश्रा ओमली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बड़ी खबर आ रही है संसद भवन से, जहां संसद भवन ने सुप्रीम कोर्ट परिसर पर नकेल कस दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट परिसर पर नकेल कसी है और हो रहे भ्रष्टाचार पर कोर्ट में, उस पर आज मोदी सरकार ने जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है, सीजीआई भी शायद हक्के बक्के रह गए हैं, क्योंकि मोदी सरकार और कोर्ट के बीच खींचतान पिछले कुछ महीनों से खूब देखने को मिली है, चाहे वो कलेजियम को लेकर हो या कई अन्य मामले जहां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों आमने सामने आ जाते हैं। कई बार केंद्र सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणियां भी की हैं। इन सब के बीच में मोदी सरकार ने कोर्ट परिसर पर नकेल कसने के लिए संसद में कानून लेकर आई, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करा लिया गया और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। आप ये बहुत आसान मत समझिएगा कि ये जो कानून पास कराया गया है, ये कानून बड़े बड़े लोगों के जेब से पैसे निकलवाएगा और जो पैसे, जो भ्रष्टाचार चल रहा था जिसके जरिए, ये कुछ ऐसा भ्रष्टाचार था, आपको बता दें, मान लीजिए आप, मैं आगे वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप देखते होंगे अमूमन रोड के किनारे छोटे छोटे मोटे व्यापारी जो हैं, ठेला पटरी वाले जो होते हैं, अपना दुकान लगाते हैं। पुलिस वाले उनसे डायरेक्ट पैसे नहीं लेते हैं, पुलिस वाले किसी रेडी वाले को अपॉइंट करते हैं और जितने रेडी वाले हैं उसके पास पैसे ले जाकर जमा करते हैं और वहां से सीधे तौर पर वहां का थाना अध्यक्ष उन पैसों के ऐश करता है। कुछ इसी तरह से कोर्ट में भी खेल चल रहा था और यही खेल, इसी खेल पर आखिरकार मोदी सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो सबसे बड़ा झटका यहां पर ऊपर की कमाई पर है और भ्रष्टाचार पर है, जहां जो नाम पुकारता अर्दली आता है और कहता है आपका बारी आ गई है और कोई वकील आकर उसके हाथ में पैसे दबा करके क्वेल कह देता है और उसकी कार्रवाई को कुछ देर तक स्थगित कर रहा है, कुछ देर बाद के लिए टाल देता है। तो आज ये कानून लाया गया है, ये कानून कोर्ट परिसर में चल रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लाया गया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी कोर्ट में पहुंचते हैं तो आपके पीछे दलालों की लाइन लग जाती है, वो आपका काम करवाने के लिए रेट लिस्ट रखते हैं और माननीय जज साहब जो पूरे देश के अन्य अन्य विषयों का स्वतः संज्ञान लेते हैं, परंतु खुद के कोर्ट रूम में चल रहे भ्रष्टाचार को कानों कान खबर नहीं होती, या फिर कहें उसका कट या आपका फायदा या पैसा शायद जज साहब के चैंबर तक पहुंच जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। बहरहाल हम खबर की तरफ बढ़ते हैं, खबर की तरफ आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आखिरकार ये मोदी का फैसला कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और क्या कलेजियम सिस्टम या सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच जो आपस में जो भिड़ंत चल रही है, क्या उसका ये परिणाम है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया देके वीडियो को लाइक शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के न्याय व्यवस्था में जो सुधार के लेकर के जुडिशियल सिस्टम के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, इसे अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को संसद से पास करवा लिया। इस विधेयक को राज्यसभा ने संसद के पिछले सत्र में 3 अगस्त को पास कर दिया था, जबकि लोकसभा में उसे सोमवार को मंजूरी मिल गई। सरकार चाहती है कि अदालत परिसरों में किसी दलाल का नामो निशान नहीं हो। इसके पीछे सरकार की सोच है, कानूनी मामलों में फंसे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर से यूं परेशान रहते हैं, ऊपर से वो दलालों के शिकंजे में आ जाते हैं तो न्याय के पाने की जद्दोजहद और मुश्किल हो जाती है। ऐसे में अदालत की चार दीवारी के दलाल मुक्त करने उद्देश्य से ही सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 लाया और अब उसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हस्ताक्षर होने के बाद यह विधेयक कानून की शक्ल ले लेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार माननीय जो सब चीजों पर संज्ञान लेते हैं, अपने खुद के कोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार पर माननीय संज्ञान क्यों नहीं लेते,
क्या माननीय का कट वहां जाता है क्या? आखिरकार कई फिल्मों में हमने देखा है कि साहब अधिकतर ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं कि जज साहब के पास लाख रुपए करोड़ रुपए पहुंचा दीजिए और जज साहब आपका काम आसान कर देंगे। तो क्या ये सच है जो फिल्मों में दिखाया जाता है? और क्या इसी को देख करके मोदी सरकार ने शायद मिलोर्ड की जेब कटने का ये प्रावधान कर दिया है? मैं यहां पर किसी पर संज्ञा किसी कोर्ट पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कोर्ट में चल रहे भ्रष्टाचार को यहां पर आपके सामने प्रैक्टिकल रूप में दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक पर समर्थन मांगते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने 1486 औपनिवेशक कानून समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि पिछली यूपीए सरकार में 10 साल के कार्यकाल में एक भी कानून नहीं खत्म किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय विधिक परिषद यानी बीसीआई के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को निरस्त कर और अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अब समझिए 1879 का कानून कांग्रेस लेकर चल रही थी, 1879 अंग्रेजों का कानून, 1885 में कांग्रेस का गठन करने वाला एओ ह्यूम, जिसको गठनकर्ता जब कसम खाया था कि हम आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, वो कांग्रेस, वो सोनिया गांधी, वो नेहरू, सबने कसम खाई थी। इसलिए बता रहा हूं उस कसम खाई थी क्योंकि जो जिसका बेस होता है उसी बेस पर वो सरकार, वो पार्टी चलती है। तो कांग्रेस का बेस ही है कि वो कांग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेगी। यही 1885-86 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसका मेन विचारधारा ही यही थी, इसकी कसम खाई थी और उसी के कानून को लेकर अब तक चलते आ रहे थे। तो उसके कानून को कैसे खत्म करते, और आज मोदी सरकार उसी कानून को खत्म कर रही है। और आज उसी कानून में विधेयक में जो कहा गया है, आज सरकार ने कहा कि सरकार पुराने और बेकार हो चुके आजादी से पहले के कानून को हटाने की नीति तहत बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लीगल प्रैक्टिशनल एक्ट 1879 को हटाने, एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करने का फैसला किया। इसके लिए लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 की धारा 36 को एडवोकेट्स एक्ट 1961 में शामिल किया जाएगा। इस कानून की किताबों में अनावश्यक कानूनों की संख्या कम हो जाएगी, साथ ही इससे वकालत पेशे को सिर्फ एक कानून एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत नियमित करने की मदद मिलेगी। कानून की नजर में आखिरदार दलाल कौन है वो जरा समझ लेते हैं। आपको एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो 2023 में है उसमें दलाल की परिभाषा में कहा गया है कि जो किसी कानून से जुड़े कामकाज में किसी वकील को काम दिलाने के बदले वह उस वकील से या उस काम में रुचि रखने वाले व्यक्ति से पैसा लेता हो, या दूसरा जो इस काम के लिए अक्सर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के आसपास रेवेन्यू ऑफिस, रेलवे स्टेशन, लैंडिंग स्टेज, लॉन्जिंग प्लेस या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर घूमता रहता है। इस तरह किसी भी व्यक्ति को दलाल माना जाएगा जब ये दो बातें साबित होंगी, पहला कि वह किसी वकील को काम दिलाने में लगा हुआ हो और दूसरा इस काम के लिए वकील से ही पैसा लेता हो। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो वह दलाल नहीं है। अगर कोई मुफ्त में किसी मुवक्किल को किसी वकील से बात करने की सलाह देता है या मुफ्त में किसी वकील को काम दिलाता है तो वह दलाल नहीं है। वह तभी दलाल की परिभाषा में आता है जब तक वह इस काम के लिए वकील से पैसा लेता है। मौजूदा सरकार में 1486 औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर दिए हैं, जबकि पिछली यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में एक भी कानून नहीं खत्म किया गया। अगर किसी व्यक्ति पर ऐसा करने का संदेह है तो उसका नाम दलालों की सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी होगी। इसके लिए दलालों की सूची बनाने और प्रकाशित करने के लिए एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 45 ए के सब सेक्शन 1 के तहत अधिकृत कोई भी प्राधिकरण दलाल होने या संदिग्ध होने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है।
और उस न्यायालय को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जांच करे, और अधीनस्थ न्यायालय ऐसे व्यक्तियों के आचरण की जांच करेगा और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को सब सेक्शन 2 में दिए गए अनुसार कारण बताने के अवसर देने के बाद जांच का आदेश देने वाले प्राधिकरण के को प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम रिपोर्ट करेगा जिसके आचरण से अधीनस्थ न्यायालय संतुष्ट हुआ है। इसके बाद वह अथॉरिटी ऐसे किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में शामिल कर सकता है। शर्त बस इतना है कि अथॉरिटी को उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की अनुमति देना होगा जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए एडवोकेट एक्ट 1961 जिसे आगे चलकर प्रिंसिपल एक्ट कहा जाता है कि धारा 45 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी। इसमें 45A सबसेक्शन 1 प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला जज, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिला कलेक्टर के पद के नीचे हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यदि कोई हो उस व्यक्ति की सूची बना और प्रकाशित कर सकता है। जो सामान्यतः है बता दें कि मान्यता के सबूत या अन्यथा आदतन दलाल के रूप में कार्य करने का साबित होते हैं और समय समय पर ऐसी सूचियों में परिवर्तन और संशोधन कर सकता है। इसके स्पष्टीकरण कहा गया है कि किसी कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिसर में लीगल प्रोफेशनल के रूप में प्रैक्टिस करने के हकदार व्यक्तियों के संघ की तरफ से विशेष रूप से बुलाए गए बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किसी व्यक्ति को दलाल घोषित करने या नहीं करने का प्रस्ताव पारित करना इस उपधारा के उद्देश्यों के ऐसे व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र होगा। किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसी सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसे उसे शामिल किए जाने के खिलाफ कारण बताने का अवसर ना मिले। दलालों की ऐसी सूची एक प्रति हर न्यायालय में टंगी रखी जाएगी जिससे वह संबंधित है। दलालों पर प्रतिबंध और दंड क्या होगा वो थोड़ा समझ लीजिए। अदालत या जज एक सामान्य या विशेष अदालत से किसी भी ऐसे व्यक्ति को अदालत के परिसर से बाहर करने का आदेश दे सकता है जिसका नाम ऐसी सूची में शामिल होता है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसे समय दलाली करता है जब उसका नाम किसी ऐसी दलाली सूची में शामिल होगा उसे 3 महीने तक की कैद या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडित किया जाएगा। सरकार ने भारतीय विशिज्ञ जो विधिज्ञ परिषद यानी CI के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम 1961 के में संशोधन करने का निर्णय लिया। मुवक्किल, वकील और अदालत तीनों के भी लिए घातक और दलाली सिस्टम यह सबसे बड़ा है। जहां तक बात एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 की है तो कोई भी मुकदमा लड़कर किसी भी वादी के लिए अच्छी स्थिति यही है कि अच्छे से अच्छा वकील अदालत से उसे पक्ष रखे। अगर वह किसी दलाल के चंगुल में फंस कर ऐसे वकीलों को अपना केस सौंप देता है जो योग्य नहीं है वो मुकदमा हार सकता है। इधर मुवक्किल के मुकदमा हारने के जोखिम पर दलाल अपनी कमाई कर लेते हैं और दलाल को अपनी कमाई की चिंता होती है भले उसे क्या पड़ी है कि वो मुवक्किल को अच्छा वकील दें, वो तो उसी वकील की पैरवी करेगा जिसके उसकी साठगांठ है। दूसरी तरफ दलाली सिस्टम से वकीलों का भी नुकसान होता है। संभव है कि वैसे भी प्रतिभाशाली वकील लोगों की केस नहीं मिले जो दलालों के संपर्क में नहीं हो, लेकिन ऐसा वकील जो केस लेने के लिए दलालों के संपर्क साधने से नहीं सकता है उसे बहुत सारा काम मिल सकता है क्योंकि वह कमाई का एक बड़ा हिस्सा दलाल को देता है। उधर जज और कोर्ट भी दलाली सिस्टम से काफी प्रभावित होते हैं। जजों को अच्छे वकील की दमदार दलीलें सुनने को नहीं मिलेंगी। अक्सर वैसे वकील ही कमीशन देकर दलालों के जरिए केस लेंगे जो अयोग्य हैं। योग्य वकीलों के पास तो मुकदमे की भरमार होती है, उन्हें कभी क्लाइंट्स की कमी नहीं होती है, भला कोर्ट में खड़े अयोग्य वकील की क्या दलील दे सकेंगे। तो साफ तौर पर ये जो बिल पेश किया गया है, जो संशोधन हुआ है, साफ तौर पर माननीय और माननीयों के लिए एक तरह से एक नकेल ही कहा जाएगा क्योंकि साहब पैसा तो नीचे से ऊपर तक पहुंचता है सभी जानते हैं। और इसका इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए उन्हीं न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।